माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ये उनका फैसला है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नहीं माँ जी, समाज क्या कहेगा? नहीं बेटा, अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ में जाए दुनिया और दुनिया के रीति रिवाज, अरे ऐसे रीति रिवाजों का क्या करना कि जिसमें जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो। मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। आ, कुछ बात करना था। हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ वो बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को? तो शुक्र गुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप, हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे से धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा, नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी उसके आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी अम्मी आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो सगाई में ना आए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कुछ काम होगा। अम्मी अभी आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? आप इस तरफ आइए, दो मिनट के लिए आइए, बैठिए। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे,
लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह, जिनका अंत अधूरापन ही होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी, वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह, जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए, आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह, उनके जिंदगी से दूर जाने का। आपको ये करना है। सुनिए सब लोग, आप सब लोग यहां आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए, अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए हैं, तो फिर यही होगा, आज यहाँ सगाई होगी। बैठिए 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 प्लीज। आज यहां समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, जब अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है। कीजिए कुछ जश्न की तैयारी, कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें। अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज।
सब कुछ छोड़कर चले गए. आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए. मैं हूं जोकर, मल्टीटैलेंटेड जोकर. क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके इकबाल? यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो. कुछ दुख दर्द है कि नहीं इस थाने का? क्या रे, शर्म उरम आता है कि नहीं तुमको? हाँ, कहता है ना कि हम लोग परिवार है, हम सारा थाना वाले लोग तुम्हारा करता धरता है, तो करता धरता के दुख का सरोकार है कि नहीं तुम? वहां मैडम सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुम यहाँ जोकराई कर रहा है. इंसानियत घोर के पी गया बाबू. अबे इकबाल, ये उम्मीद ना थी भी तुमसे. हाँ बदना, तो क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी हमसे कि हम भी तुम लोग तरह से मातम मनाए, मुंह लटका के घूमे? अरे मैडम सर तो दुखी है ही, क्या चाहते हो कि हमें दुखी देख के और भी दुखी हो जाए? कुछ ऐसा करो कि मैडम सर आए तो हमें खुश दिखें और फिर पहले जैसी हो जाए, अपने गम को भुला सके. माहौल थोड़ा नॉर्मल करो, वही कर रहे थे, उसी की प्रैक्टिस. सॉरी इकबाल, गुस्से में ज्यादा बोल दिया. आई एम सो सॉरी. मम्मी सॉरी हैं. ठीक है, छोड़ो ये सब, कुछ सोचो क्या करें हम इसके लिए कि वो पहले जैसी हो जाए. वही करे जो इकबाल तुम कर रहे हो. जय हिंद मैडम. जय हिंद. कुछ भी करके मैडम सर का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा, इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आए हैं. कहते हैं खाना और गाना, ये दोनों चीजें इंसान को बड़े बड़े दुख बुलाने में मदद करता है. देखना हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर कैसे मैडम सर अपना सारा गम भूल जाएंगे. ऐसे ही बस सामान्य माहौल रखना है हमको. इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका उनका सगाई का घटना याद आए. हाँ जी मैम. जी मैडम. मैडम सर आ गई. शादी ब्याह शहनाई सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा. और थाने से परमिशन ली होगी. कई बार लोग शादी से पहले आते नतमस्तक करने के लिए, इस पर बस टाइमिंग गलत है. पूछिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा. चिंते जा, जल्दी से प्लेट लेकर आ. हाँ, एक मिनट पुष्पा जी. मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा. मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी चीते ऐसे कैसे खाएंगी वो? जा 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 जल्दी लेकर आ जा. मैडम सर आप बैठिए ना. नहीं हम ठीक है पुष्पा जी. मैडम सर वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे, आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं. नहीं मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये, बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है. आपको जाना चाहिए. हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए. जीते जा ना जल्दी प्लेट लेकर, कटोरी लेकर आओ जा. हाँ, ला, ला. आप सबका हो गया हो तो काम की बात करें. संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर. ठीक है लेकर आइए. करिश्मा सिंह. जी 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 मैडम सर. वो जो
ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स है उसकी लिस्ट बनाने को बना दी। ठीक है, लेकर आइए। मैडम सर, ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, अंदर चल के बताओ। मैडम सर, खीर पुष्पा जी। ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ, अभी खत्म ही आज खत्म कीजिए। अब समझ गए ना? संत जी आ गई, संत। देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काश संतु जी हम अभी ना उफ़ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ़ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका दो वजह है, पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी है। जैसे हम उफ़ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम उफ़ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। वो तो बात है, नाना करके भी चार बार उफ़ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही है, हम चार बार बोल दिए, उफ़ ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारी मासूमियत की। संतु जी देख रही ना, संतु जी मार। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा, तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ? नहीं, हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगे ना, तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं, अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं, वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसे ऐसी है ना, जो सोडा की बॉटल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ, ऐसी है वो, क्या नाम है उसका? सरला। हाँ, उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ, लेती है। लेती है ना, उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक, काहे नहीं हुआ? अब काहे आप बताइए, काहे कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है, या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, संतु जी आप ऐसे अपना घाव सीती हैं? हम भी ऐसे ही सीते हैं, सीए? नहीं नहीं नहीं। तो मैडम सर जो हैं वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए, समझ गए ना सर? हाँ समझ गए। तो बस शादी शहनाई सगाई ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं, उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ, किस आया? जी कहिए। कल हमारी सगाई थी, हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा। जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिला है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपने केबिन में है। ठीक है मैडम जी। हसीना मैडम, मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम, एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम कल मेरी सगाई थी, हम मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं।